अस्सलाम वालेकुम। आज हम बताएंगे आपको हैदराबादी मटन बिरयानी कैसे बनाते हैं। ये बहुत अच्छी और जायकेदार होती है। इसके लिए आपको चाहिए 2 किलो मटन। हमने इसे वॉश कर लिया है। इसके लिए हमें चाहिए कर्ड, ऑयल, कोरिएंडर, ग्रीन चिल्ली, लेमन जूस और अनियन। अनियन को हमने ऑयल में फ्राई किया है। और अब हम इसमें दही डालेंगे। ऑयल डालिए। लेमन जूस डालिए। कोरिएंडर डालिए। ग्रीन चिल्ली डालिए। और अब डालिए हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट डालिए स्वाद अनुसार, लहसुन और अदरक का पेस्ट डालिए। और जो हमने अनियन फ्राई किया था उसे भी डालिए। और अब इसे मिक्स कीजिए और अच्छे से मिक्स करना चाहिए इसे। और अच्छे से मिक्स करिए। ये हमने अखनी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसे हाफ एन आवर तक ढक्कन ढाप के रखिए। और हाफ एन आवर हो चुके हैं। अब इसे गैस पर पकने रख दें। और अब दूसरा भगोना लीजिए और उसमें पानी डालिए, कोथिमीर हरी मिर्च डालिए, शाजीरा डालिए, इलायची डालिए,
दालचीनी का चकला डालिए, और नमक डालिए, और ऑयल डालिए, और अब हदन को ढक्कन ढाप कर साइड में रख दीजिए। और हमने ये बासमती राइस लिया है, ये 1 किलो बासमती चावल है, इसे मैंने पानी से वॉश कर लिया है। और अब चावल हाफ एन आवर भिगोने रख दें, आप चाहे तो नॉर्मल चावल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने बासमती राइस यूज़ किया है। जो अखनी हमने बनाई है वो रेडी हो रही है, थोड़ी तैयार हो गई है और इसे और कुछ देर के लिए पकाएं और अब इसे अच्छे से मिक्स करिए। अब ये हमारी अखनी पूरी तरह से रेडी हो गई है। और अब हमने ये हदन को गैस पर रख दिया है और ढक्कन ढाप देंगे और ये हदन ऑन रहा है, इसमें राइस डाल देंगे जो हमने भिगो के रखा है। और अब इसे अच्छे से मिक्स करिए। आपको ध्यान रखना है कहीं चावल ज़्यादा गल ना जाएं। और अब हमारा चावल बिल्कुल रेडी हो गया है, कितने अच्छे से रेडी हो गया है देखिए। और अब हम इस चावल को अखनी में डाल देंगे और अब इसमें हम कोथिमीर, पुदीना, हरी मिर्च डालेंगे और अब घी डालेंगे, घी से बहुत ही टेस्ट आता है, घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। और अब अनियन डालिए, हमने ये दूध और ज़ाफ़रानी कलर मिक्स कर लिया था जिसे हम डाल रहे हैं। और अब इसका ढक्कन ढाप दीजिए और पकाने के लिए गैस पर रख दीजिए। और अब हमने इस पर वजनदार चीज़ रख दी है, आप चाहे तो आटा भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए हमारी बिरयानी रेडी हो गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। और
अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसे लगा। और देखिए मटन भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है और आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं। ये दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें।